सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हाय फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको देसी नुस्खा बताएंगे। जो कबूतर जुकाम हो जाता है, सो का जुकाम, चोंच खोलते हैं वो कबूतर, तो ये शहद है, ये चने हैं खिले हुए, ये खिले हुए चने शहद में डालने हैं, शहद में डुबा देना। डुबाने के बाद इनको पूरी रात भीगने दें। जब ये सारा शहद चूस लेंगे अपने अंदर, फिर सुबह के लंबर में एक चना, जो आपका कबूतर जुकाम में हो, एक चना मुंह में डाल दें उसके, और एक चना शाम को और एक चना सुबह को, ये दो टाइम कबूतर को खिलाने हैं। हम आपको अगली वीडियो में और बताएंगे किस तरीके से खिलाने हैं चने। ये पूरी रात इनको रख दें शहद के अंदर ही, जब ये शहद पी लेंगे उसके बाद कबूतर को खिलाएं। इससे कबूतर का जो जुकाम होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इलाज इस्तेमाल कर रहा है मैंने, इससे पहले वीडियो दिखाई थी आपको मादीन वाइट रंग की, अब तो बहुत काफ़ी फ़र्क है। उसको मैंने यही खिलाए हैं शहद में मिला के चने। एक भाई ने बताया था मुझे ये नुस्खा, तो इसी बारे में आपको बता रहा हूँ। ये फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर अब दूसरी वीडियो में हम आपको चने कैसे करके खिलाने हैं कबूतर को दिखाएंगे खिलाते हुए, एक सुबह में खिलाना है, एक शाम में खिलाना है। Hi friends, did you have a lot of fun with the videos? Do you want more? Subscribe to our channel to have more fun with me. Click here to continue watching more such beautiful sing-songs.